इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का फूका पुतला। नववर्ष की बधाई के लिए लगाई गई होल्डिंग से सियासी घमासान जारी है। रीवा के टीआरएस कॉलेज चौक में होल्डिंग के माध्यम से जहां कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष ने 2023 में सरकार बनाने का दावा करते हुए कमलनाथ जी को बधाई दी, तो वहीं भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को फोटो लगाकर उसकी होर्डिंग के पास अपनी होर्डिंग लगाकर अपनी सरकार बनाने का दावा किया, जिसके जानकारी लगने पर एक दिन पहले ही कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने अपने द्वारा लगवाई गई होर्डिंग के पास ही लगवाई गई होर्डिंग को बौखलाहट बताया। तो वहीं दूसरे दिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला फूका और कहा 2023 में फिर से भारी बहुमत से प्रदेश में सरकार बनेगी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेसियों के द्वारा उनके नेता के द्वारा लगवाई गई होल्डिंग को हटा दिया गया। आइए सुनाते हैं भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। इंडियन टीवी न्यूज से राजीव तिवारी की खास रिपोर्ट। देखिए, लोकतंत्र में क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया एक अधिकार है। हमारे भाजपा नेता माननीय गौरव तिवारी जी ने कल एक होल्डिंग लगा के कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को एक आईना दिखाने का कार्य किया था। देखिए, इनसे सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई। कल शहर अध्यक्ष यहाँ पे आके होल्डिंग के पास और जिस तरह का बयान दे रहे थे, और रात में उनके तथाकथित गुरुगो द्वारा जिस तरह से होल्डिंग निकलवाई गई, ये बौखलाहट जो है उनकी, तो उनकी मानसिकता को प्रदर्शित करती है। और इससे साफ समझ में आ रहा है, घबराए हुए हैं। इनकी बौखलाहटें बता रही हैं कि 2023 में, नए वर्ष में, हम फिर से जो तो भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ प्रचंड जीत होगी हमारी, और ऐतिहासिक जीत होगी, और हम फिर से जो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्या नाम है आपको? ऋतिक मिश्रा। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।